हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ किराने की शॉप पे, मुझे थोड़ा सा सामान लेना है। चलिए फिर चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेना है, वही मैं जा रही हूँ किराने की शॉप पे सामान लेने। और मैं अभी आप लोगों को अपने घर से, घर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ बालकनी में से, फिर चलते हैं शॉप पे। चलिए फिर लाइट बंद कर देती हूँ। कितनी हरियाली है यहाँ पे। चलिए फिर चलते हैं, चलिए फिर चलते हैं। कॉलोनी के बाहर ही शॉप है, वहीं पे जा रही हूँ, पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। मेरे पीछे का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, कितना हरा भरा है मेरा कॉलोनी। देखिए ये देखिए, मैं सामान लेके आ गई। थोड़ा सा ही सामान लेना था, बहुत ज़्यादा नहीं लेना था, ये थोड़े से सामान लेकर के मैं आई हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ मैं। ये मूँगफली है, काबुली चना, बाकी के सामान, चाय पत्ती वगैरह, ये सब डेली यूज होने वाला सामान ली हूँ। ये देखिए हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से और सब्ज़ी लाए हैं, मक्का और बाकी की सब्ज़ी। ये देखिए मैं केक बना रही हूँ, उसका रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही मैं रख करके वीडियो बनाती हूँ, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए ऐसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ किचन में। ये है मेरा ट्राइपॉड, ट्राइपॉड भी दिखा रही हूँ कि ट्राइपॉड में फ़ोन फिक्स करके ऐसे बनाती हूँ। तो ये है सुबह का मेरा ब्लॉग, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ छोला भटूरा की रेसिपी। ये मैंने लिया है आधा किलो के लगभग मैदा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी दही, और ये है बेकिंग सोडा, चीनी एक चम्मच, और मैं डाल रही हूँ एक बड़े चम्मच भर का रिफाइंड ऑयल। इतना सारा चीज़ डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से गूँथ लूँगी पानी डाल के। मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। मैं ऐसे ही भटूरा बनाती हूँ, बहुत ही फूला फूला भटूरा बनता है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही बना के देखिएगा। इसका एकदम नरम सा आटा लगा के रख दूंगी मैं 3 से 4 घंटे के लिए। मैं सुबह में बना रही हूँ छोला भटूरा, तो ये सुबह के टाइम मैं आटा गूँथ रही हूँ, लगभग 8 बजे के लगभग मैं आटा गूँथ रही हूँ। इसको बनाऊंगी कम से कम 11 बजे तक, तो हो जाएगा 3 घंटा। तो तब तक कितने देर में फूल भी जाएगा अच्छे से। अब इसको ढक करके मैं छोड़ दूंगी, ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। चलिए फिर छोले बना लेती हूँ। ये देखिए छोले में मैंने तड़का लगा दिया है, इसमें मैंने डाल दिया जीरा, प्याज, हरा मिर्च और सूखे मसाले, कुछ नमक डाल के
मैं भून ली हूँ, और मैं इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर को अच्छे से गलने देंगे, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए और तेल ना छोड़ दे मसालों में से, तब तक इसे मैं भून लूँगी। और हाँ, इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि इससे पहले डालना था, अभी मैं डाल रही हूँ। मैं भूल गई थी डालना, ध्यान ही नहीं रहा। ये देखिए, मैंने चना उबाल लिया है, कितने अच्छे से गल गया है चना। इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल करके उबाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, अब इसमें मैं डाल रही हूँ छोले। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें फ्रेंड। अब इसमें मैं छोले डाल करके अब इसमें डालूँगी पानी। पानी डालने के बाद इसमें लगा लेंगे 4 से 5 सीटी तेज आंच पर। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तेज आंच पे छोड़ दूंगी बनने के लिए। अब चलिए फिर भटूरा बना लेते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया चूल्हे पे, अब मैं बना रही हूँ भटूरा। तेल हो गया है गरम, अब इसमें मैं डाल के तल रही हूँ। ये देखिए कितना फूला फूला बना है ना। चलिए फिर, आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।